देखे ये चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं है ना इस चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं है ना ये, तो ये इस चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं है और ये चैलेंज पूरा हो भी चुका है इस्लाम की अपनी अपनी ही तारीख में लिखा है ये चैलेंज पूरा हो चुका है कैसे आपको साद बिन अभी की स्टोरी का पता है नहीं साद बिन अभी अब्दुल्ला बिन सादिन अभी सराह जो था ना वो उस्मान का कजन था ठीक है हिजरत हो गई हिजरत के बाद ये ये मुसलमान हुआ था ठीक है मक्के में था हिजरत के बाद ये मुसलमान हुआ और ये फिर भाग के मदीना चला गया पढ़ा लिखा आदमी था रसूल ने इसको कातेब वही पे लगा दिया ठीक है और

क्या चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट किया क्या लाइक प्रोड्यूसिंग ए सूरा लाइक किसी ने एक्सेप्ट करके दिखाया क्या तो क्योंकि तो कुरान जैसी कई आयतें बनाई हुई हैं आजकल आजकल भी हुँ. लोगों ने बनाई हैं मगर प्रॉब्लम ये है कि इस चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं है ना मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि कोई एक्सेप्ट कर भी ले और बना भी ले तो क्या मुसलमान मान लेंगे कि कुरान कुरान जैसा बना लिया हाँ। वो तो कभी भी नहीं मानते ना

दूसरी बात है कि कुरान की किरत अब बात ये कर रहे हैं कुरान की कुरान में इतनी अब बातें हो रहे हैं ठीक है क्या मतलब वजह क्या है अब कुरान कहते हैं जी सात हरफों पर नाजिल हुआ क्योंकि पहले जो लिखाई थी कुरान की वो ऐसी थी कि उसके नुकते नहीं होते थे हाँ। अराब की तो बात छोड़ दें जेर जबर की नुकते भी नहीं होते थे हाँ। तो आप बे की जगह से पढ़ सकते थे से की जगह ते पढ़ सकते थे ठीक है पे तो नहीं होती अरबी में ठीक है नून भी बे बे और नून एक जैसे लिखे जाते थे और कई चीजें तो वो आप जिस तरह मर्जी पढ़ सकते थे उसको ठीक है तो एक एक बंदा था वो मस्जिद नरबी में कुरान की तिलावत कर रहा था तो उमर ने सुना उसको और उमर ने कहा ऐसी की तैसी तू गलत पढ़ रहा है जैसे ही उसने तिलावत की उमर ने अपनी गर्दन चादर उसकी गर्दन में डाली दबाता हुआ आप पकड़ के रसूल के पास ले आया हुजरा रसूल में उन्होंने कहा जी देखो ये कुरान यूँ पढ़ रहा था अब उमर उसकी गर्दन नहीं छोड़ रहा था रसूल ने क्या कहा रसूल ने कहा इसको छोड़ो उसे छुड़वाया फिर उसने कहा पढ़ के सुना उसने पढ़ के सुनाई फिर रसूल ने उमर को कहा कि तू पढ़ के सुना फिर उमर ने पढ़ के सुनाई और एंड पे क्या हुआ रसूल ने कहा तू भी ठीक पढ़ रहा है तो तू भी ठीक पढ़ रहा है ठीक है तो उमर ने कहा जी कैसे ठीक पढ़ रहा है उसने कहा मैं रसूल अल्लाह कुरान अल्लाह ने सात हरफों पर नाजिल किया है अब ये सही हदीस है इसका इसका मतलब यह है कि कुरान के अंदर इतनी एम्बिगविटी थी कि रसूल ने आयत एक तरह से पढ़ के सुनाई है मगर उसके अलावा भी पढ़ी जा सकती थी अब प्रॉब्लम यह है कि ये ये मसला मोहम्मद की जिंदगी का नहीं है ये मोहम्मद की जिंदगी से बाद का है क्योंकि जब सबसे पहले जो जो स्क्रिप्ट था जिस जो मोहम्मद के जमाने का स्क्रिप्ट था वो भी अंदाजे की बात है क्योंकि आज तक इनके पास बहुत कम मटेरियल है जो कि हजाजी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है हजाजी स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जिसे रसूल के जमाने का स्क्रिप्ट मांगा जा माना जाता है ठीक है हजाजी स्क्रिप्ट जो है वो वो स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर कुरान है कुछ मगर उनमें से कोई भी फिफ्टी परसेंट भी कंप्लीट नहीं है और हजाजी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हर कुरान का आज के कुरान से कई जगहों पर डिफरेंस है पूरी पूरी आए थे डिफरेंट है हजाजी स्क्रिप्ट के जो कुरान है ठीक है उसके बाद आता है कोफी स्क्रिप्ट कूफा बेसिकली वो शहर था जिसे अली ने अपना कैपिटल बनाया था मदीने के बजाय क्योंकि मदीने में उस्मान कतल हो गया था और मदीने में कहते हैं अली के बहुत दुश्मन थे मगर कूफा एक शहर था उसके करीब था बहुत जो कि यहूदियों का आर्कियोलॉजी मतलब यहूदियों का स्कॉलरली सेंटर था और ये जो कूफी स्क्रिप्ट स्क्रि� है असल में ये यहूदियों ने आजाद किया हुआ था असल में उनका बहुत काम था इसके अंदर तो इन द एंड क्या हुआ अली के दौर के बाद कुछ खास तौर के ऊपर नुकते नहीं होते कोई भी ठीक है एजाजी पे भी नहीं होते थे अच्छा अब कूफी स्क्रिप्ट में कुरान लिखा अब कूफी स्क्रिप्ट में कुरान मिलते हैं और उनमें से एक कुरान जो है भी म्यूजियम जो है वो उस वाला है टर्की वाला ठीक है हुँ, हुँ. मगर इशू ये है कि वो कुरान 99 परसेंट कंप्लीट है हुँ. मगर उस कुरान का इशू ये है कि वो कुरान हुँ. बाद में उसके अंदर एडिशंस बहुत सी की गई है अच्छा। समझे मिटा मिटा के दोबारा लिखा गया उसके अंदर अराब बाद में सुर्ख से आई से रेड इंक से जो अराब है जेर जबर वो बाद में लगाए गए समझे आप और हुँ. कई जगहों पे पूरे पूरे लफ्ज ऐड किए गए हैं एक जगह एक आयत है उसके अंदर वो लफ्स नहीं है और छोटा सा करके वो ऊपर लिख दिया वो लफ्स तो ये है तो कॉपी म्यूजियम का के कुरान का इशू उसे आज तक डेट नहीं इन्होंने करने दिया उसका अगर स्क्रिप्चुअल एनालिसिस किया जाए उसका कुछ है भी है कुछ किया जाए उसका स्क्रिप्टुअल एनालिसिस तो फिर एक बात समझ में आती है वो ये है कि टोप कापी का जो म्यूजियम का जो नुस्खा है या जो उसका मसहफ है उसके अंदर शायद शायद पिछली दो तीन सदियों से पहले भी होते रहे हैं। शायद आखिरी दो सदियों में ना हुए हों उससे पहले उसके अंदर एडिशन और चेंजेस होती रही हैं ठीक है तो उसके बाद फिर हजाजी स्क्रिप्ट आता है सॉरी जो जो हजाज बिन यूसफ वाला स्क्रिप्ट है जो कि जिसके ऊपर आप यह कहते हैं कि नुकते शुकते लगे होते हैं जेर जबर लगे होते हैं क्योंकि अराब जो थे उस पर उसने लगाए थे हजाज बिन यूसुफ ने और हजाज जमिन यूसुफ से कुछ ऐसे कौल नकल होते हैं जिनमें वो ये कहता है कि कुरान उसने लिखवाया वो ये नहीं कहता वो ये कहता कि कुरान की मैंने कराई है वो ये कहता ही नहीं है कि उससे पहले भी कुरान की कोई तदवीन नहीं थी हजाज बिन यूसुफ ये कहता है ठीक है वो उस्मान की तदवीन वो मोहम्मद के दौर में कुरान की तदवीन किसी की कोई बात नहीं करता वो बात करता है सीधी सीधी कि मैंने कुरान की तदवीन कराई और फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उसने कुरान में क्या एंटर कराया हमें कोई पता नहीं है कि तो उसने उसमें कैसी कैसी चेंजेस कराई क्या कराया क्या नहीं कराया जो कुरान की प्रजर्वेशन का जो क्वेश्चन है ना असल में तो जो कुरान की प्रेजर्वेशन का क्वेश्चन है ना असल में उसमें बहुत सारे झोल हैं आप ये नहीं कह सकते कि कुरान प्रिजर्व है मोहम्मद ने कहा था कि चार लोगों से कुरान सीखना वो चार लोगों ने कुरान की तदवीन कभी की नहीं है उनके अलहदा ही कुरान रहे ठीक है तो ये बातें हैं सारी समझ गए आप ठीक है तो, आ, आ और एक तो, क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था कि आ, आप मिराकल्स को कैसे डिफाइन करते हैं लाइक कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द मून है ये तो मतलब ये तो ये तो सिर्फ एक दावा है इसमें किसकी कोई सबूत नहीं है कोई रियलिटी नहीं है कुछ भी नहीं है नहीं नहीं इतने सारे लोगों ने नैरेट किया है ना कोई भी नहीं किया किसने कहा किसने का, रेट, किसने कहा किया किसी ने नहीं किया हद, इतने सारे हदीज में लिखा लिखा हुआ है और एक तो सब झूठी है ना यार हदीसों की बात पे तो ना जाए ना, ना क्या मुसलमानों एक... के अलावा किसी ने और ने रिकॉर्ड किया किसी ने भी नहीं किया हाँ हाँ ए, एक, एक इंडियन किंग है जो केरला में थे तो मुसलमानों की लिखी हुई स्टोरीज है भाई केरला केरला वाले आपको पता है सबसे पहले मुसलमान हुए थे पता है आपको तो ये वहां पे स्टोरीज बनाई गई थी ठीक है ये स्टोरी यह ये ना समझेंगे वाकई वो केरला के किसी किंग ने वाकई लिखी होगी वो केरला के किसी किंग की किताब में इन्होंने दाखिल कर दी होगी या बाद में लिखी गई होगी समझे ऊपर डॉक्यूमेंटेड है कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है झूठ है सब झूठ है क्यों मुझे किसी किताब में लिखा हुआ ये साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि मोहम्मद चांद को दो टुकड़े किया था नहीं चांद दो टुकड़े हुआ ही नहीं आज तक अगर हुआ होता तो जमीन के ऊपर ना तबाही मच गई होती चांद अगर दो टुकड़े हुआ था नहीं अगर वो नहीं। करने वाला अगर गॉड होता तो तो इस तरह नहीं कर सकता कोई रेफरेंस नहीं निकलना झूठ है वो भी झूठा होगा वो भी झूठा होगा भाई सारे मुसलमानों ने झूठ लिखे हुए हैं पता है मुझे इसका छोड़ दे अच्छा कुरान लेकिन तो सारे... कोई कोई टुकड़े नहीं हुआ ठीक है चांद दो टुकड़े हुआ था ना तो सिर्फ लंदन में और केरला में लोग ना लिखते सारी दुनिया में लिखते ठीक है नहीं, लेकिन सारी दुनिया में तो एक एक ही टाइम पे तो नाइट नहीं होगा ना तो भाई मुझे बताए केरला में और लंदन में एक ही टाइम पे नाइट होता है लेकिन आ, सिमिलर तो होगा लाइक दो तीन घंटों का फर्क होगा लेकिन नहीं यार नहीं है भाई झूठ है सीधी बात है चांद सिर्फ लंदन और और केरला से से ही नजर आएगा किसी जगह नहीं आएगा नजर पता आप नहीं, दिन लंदन में, नहीं है। नहीं, लंदन में नहीं आपको के के क्या ना, है। ये आपने सुनी सुनाई बात आप कर रहे हैं आपने खुद कंफर्म नहीं किया झूठ बोल झूठ ना बोले मेरे साथ यहाँ पर आपने झूठ पड़ा ठीक है मैं आपको कह रहा हूँ कि चांद सिर्फ लंदन और केरला में ही सिर्फ नजर नहीं आता लोगों को चांद इस्लामाबाद में भी लोगों को नजर आता है दिल्ली में भी आता है चांद फारस में भी आता है रोम में भी नजर आता है बीच में दरमियान में कितने शहर थे उधर लोग नहीं आते थे ठीक है आप मुझे बताएं स्पेन से लेके इंडिया तक मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा दुनिया उन उस वक्त में इधर ही रहती थी लंदन से लेके यहाँ तक ठीक है तो किसी को भी नजर नहीं रोम में किसी को नहीं आया नजर ठीक है फारस में किसी को भी नहीं नजर आया बगदाद में नहीं नजर आया किसी को स्कंदरिया में नहीं किसी को नजर आया इजिप्ट में है सिर्फ इनको ही नजर आया दो लोगों को चांद अगर दो टुकड़े हुआ है ना तो सारी दुनिया को लिखना चाहिए चांद एक ऐसी चीज नहीं है कि जी सिर्फ चार बंदों ने देखा इधर नहीं, 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 नहीं के वो वो सभी लोग वो सेम टाइम पे चांद को देख रहे हो ना नहीं तो मुझे ये बताएं कि मुझे एक बात बताएं आज आज अगर सूरज चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है तो क्या दुनिया सारी को नहीं पता था कि आज सूरज ग्रहण लगा हाँ। तो फिर अगर चांद दो टुकड़े हो रहा है तो दुनिया की हो गई थी पता मुझे दुनिया की अंधी हो गई थी कोई तो हो मतलब सारी दुनिया अंधी हो गई थी इतने लोग थे थे जो लिख रहे रोम में लोग अच्छे खासे स्कॉलरशिप थी टर्की में लोगों की स्कॉलरशिप थी ईरानी सारे इतने पढ़े लिखे थे इंडिया में लोग इतने पढ़े लिखे थे लिखी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है उस वक्त की येसलम में बैठे इतनी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे थे हैं किसी ने भी नहीं लिखा यरूशलेम वाले ने क्यों नहीं लिखा मुझे रीजन चाहिए कि रोम वाले ने क्यों नहीं लिखा यरूशलेम वाले ने क्यों नहीं लिखा है मुझे इसलिए इस 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 रीजन चाहिए कि जो कोई दिल्ली में बैठा था इधर टेक्सला में कोई बैठा था उसने क्यों नहीं लिखा क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे ऑल आर लुकिंग एट एट द मून द सेम टाइम मुझे एक बात बताएं चांदनी रात चांद निकला हो तो आपको नजर नहीं आता आज तो आज तो आप बैठे हैं ना अंदर मोबाइल पे और टीवी पे लगे हुए हैं जब लोगों के पास ये नहीं होता था ना तो ये मैं आपसे गारंटी करता हूं कि लोग चांद ना देखें चांदनी रात में मसला यह अपने लिए एक एक्सेप्शन को सबूत बना रहे हैं मैं एक कॉमनलिटी को सबूत बना रहा हूं समझे बात ऐसे हो ही नहीं सकता चांद निकला हो और लोगों को नजर ना आए ठीक है दूसरी बात है अगर रसूल कहता चांद को दो टुकड़े किया अच्छा बताओ जरा कहीं पे ये लिखा कि उस दिन चांद पूरा था आधा था कितना था लिखा कहीं? कहीं भी नहीं लिखा इतना वेग वेग ये रेफरेंस है ना इतना वेग. जो उंगली के इशारे से चांद को डोकड़े कर दिया ओ भाई कितनी छोड़ोगे इतनी छोड़ने का कोई होती है मतलब <laughs> मुझे तो बताया क्या तो क्या सभी जो हदीत नायरेटर्स थे वो सभी लोग झूठे हैं यार देखें झूठे तो हैं मगर एक बात है कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं कि उनको पकड़ना बहुत आसान होता है ये उन झूठों में से है समझे बात ठीक है ये वो वाला झूठ है जिसको पकड़ना बहुत आसान है समझ गए कई झूठ ऐसे होते हैं उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है इसलिए उन पर बहस ज्यादा हो सकती है मसला यह है कि एक आसान सी जुबान में यह कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंस तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम का ऑर्डिरी एविडेंस भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे ठीक है सिर्फ केरला और लंदन वालों को ही नजर आया था और किसी को भी नजर आया था पागल तो नहीं थे ना वो ठीक है बाकी के पागल रोम में जाहिर बात है रोम तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखता था उस टाइम ससनी डेम्पायर वाले वो भी पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखते थे और जरा जोरेस्ट्रिय वो चांद ना देखें तो रेस्टोरियंट तो हो ही नहीं सकता कि चांद ना देखें क्योंकि वो तो हर वक्त तो समान की तरफ ही तो देख रहे होते थे चांद और सितारों की बातें मजूसी कहते हैं उनको लोग हैं वो तो हर वक्त ही देख रहे होते थे तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो ना देखें